आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल Divine Music में। आज मैं आपको बताऊंगी इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा और ज्येष्ठ पूर्णिमा कब की है और इस दिन क्या ध्यान करने से आपको लाभ मिलेगा। पूर्णिमा का व्रत धर्म कर्म के नज़रिए से बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ, नदी स्नान के साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने और चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। वैसे तो हर पूर्णिमा खास होती है, लेकिन ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन यमराज ने सावित्री को उसके पति के प्राण लौटाए थे। इस साल जून 2024 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा कब पड़ेगी, अब मैं आपको इसका शुभ मुहूर्त और सही तारीख बताऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा दो दिन 21 और 22 जून 2024 को है। पूर्णिमा दो दिनों की होती है, तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाता है। जून की पूर्णिमा क्यों होती है खास, अब मैं इसके विषय में बताऊंगी आपको। आमतौर पर जून में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा आती है, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन व्रती लक्ष्मी नारायण की पूजा के अलावा सुहागिने पति की लंबी आयु के लिए बरगद के वृक्ष की उपासना करती हैं। वट पूर्णिमा व्रत सौभाग्य, सुख, धन, पति को दीर्घायु का वरदान प्रदान करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दान करने से आपका जीवन खुशियों से भरा रहता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 21 जून 2024 सुबह 7:31। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 22 जून 2024 सुबह 6:37 पर। स्नान दान सुबह 7:31 पर होगा। पूजा मुहूर्त सुबह 7:31 से सुबह 10:30 तक। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त प्रातः 12:03 से 12:40 तक। चंद्रोदय रात 7:04 पर होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर क्या क्या करना चाहिए। पूर्णिमा पर दिन गंगा, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और अपने घर में दक्षिणवर्ती शंख भी ला सकते हैं आप। मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आरती करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गायों की सेवा करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ज़रूरतमंद लोगों को दवाई, अन्य चिकित्सा सामग्री दान करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से बीमारियों से बचाव होता है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर एक लोटे में जल और काला तिल डालें और उसे पीपल के वृक्ष पर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। दूध और दही का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। घर की आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए पूर्णिमा पर गरीब लोगों में दूध और दही का दान करें, इससे मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती हैं। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर मौसमी फल और सत्तू का भी दान कर सकते हैं, इससे जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की चीज़ें भी दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं, जिससे कि आपके घर में खुशहाली आती है, वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। धन्यवाद।